आज से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल को हमने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट हम सबसे पहले सर्च करते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। सो ये चीज़ हम स्टडी तो करते नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर आप सर्च करो, जैसे मैंने सर्च किया आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखो, द एचटीएमएल जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में आपके टैग आएगा वो आपका एचटीएमएल का टैग कहलाता है। तो ये जो है इसे आप कहते हैं मार्कअप, एक टैक्स जो कि हुआ है मार्कअप, तो इसलिए कह रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको उन्होंने शॉर्ट करके क्या कर दिया, HTML। तो इसमें अगर आप देखें, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। सो ये किनका कहने का मतलब ये है कि ये एक लैंग्वेज है जो कि डिज़ाइन की गई है डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर के ऊपर। आसान अल्फाज में कहें तो ये एक लैंग्वेज है जो ब्राउजर रीड करता है आसानी से। ब्राउजर पता है आपको क्या होता है? ब्राउजर क्रोम होता है, मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपरा होता है। फायरफॉक्स और मोजिला एक ही होता है। सो ये होता है। उसके बाद ये कह रहा है, इट कैन बी असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज स्टाइल सीएसएस, यानी कि केस कैरिंग स्टाइल शीट। हियर वी गो, इट कैन बी असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज केस कैरिंग स्टाइल शीट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावा स्क्रिप्ट। यानी कि ये जो है HTML है, इसको हम और लैंग्वेज या और लैंग्वेज से असिस्ट हो सकती है, जैसे कि केस कटिंग स्टाइल शीट जिसको हम CSS कहते हैं, जो हम आपके कोर्स में पढ़ेंगे कंप्लीट में। उसके बाद उसने कहा बात की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, जो असिस्ट हो सकती है, वो हमारी होती है कौन सी, जावा स्क्रिप्ट, जिसकी हम फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की बात करें तो वो है आपका JQuery जो हम इसमें पढ़ेंगे। सो बेसिकली HTML होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको इतना क्लियर आपको नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए सबलाइम, ये है एडिटर, आप सबलाइम यूज़ करें, नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करो, इवन दो जो सिस्टम का नोट पैड आता है वो यूज़ करें आप, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी टैग इन दो टैग के बीच में होगा, लेस देन के साइन और ग्रेटर देन के साइन, ये आपका टैग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल HTML ये आपका टैग है, लेकिन दिस, ये जो मैंने दिस लिखा ये टैग नहीं है, ब्राउजर इसको एज इट इज रीड करेगा जैसे ये लिखा हुआ है। लेकिन HTML जब आप रन करोगे ना, HTML ब्राउजर पे लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट, ये मार्कअप टैक्स है, और मार्कअप टैक्स किस लिए बनाया गया, डिज़ाइन किया गया इसको ब्राउजर को रीड करने के लिए। जब ये ब्राउजर पे रन होगी ये फाइल HTML और दिस वाली, जो HTML आपका लिखा हुआ है ना, ये ब्राउजर पे आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन दिस नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? दिस मार्कअप नहीं हुआ हुआ, तो वो उसको अपना टैग नहीं समझेगा ब्राउजर, और ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ HTML को रन करेगा। क्लियर है ये चीज़? सही है। सबसे पहली चीज़ तो हम इसको समझते हैं कि मार्कअप, जो भी चीज़ हमारी इसके अंदर आएगी इन दो टैग के दरमियान, वो मार्कअप है। सही है। तो दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी HTML की फाइल सेव करेंगे ना, एक नई फाइल ले लें, जैसे मैंने बताया आप सबलाइम पे लो, नोट पैड प्लस प्लस पे लो, PHP डिजाइनर पे लो, ड्रीम वीवर पे लें, जो वट एवर द टूल यू लुक्स बेस्ट, जो आपको अच्छा लगे आसान लगे उसके ऊपर काम करें। सबलाइन पे करेंगे तो ये बहुत अच्छा और इजी है। सही है। आप अगर न्यू फाइल लेना चाहें, यहाँ से न्यू फाइल खुल गई, सेम कंट्रोल एन से खोल लें। सही है। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, इसको मैं सेव करूँगा, तो मुझे इसको सेव करने के लिए ना कुछ एक स्पेसिफाइड तरीके से सेव करना होगा। अब ये इसको हम चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड टी में चले जाते हैं। जब आप होम पेज की या कोई भी पहली चीज़, तो ये सबसे पहले आप ये समझिए कि आप HTML की फाइल सेव करते हैं ना, उसको आप लोगों ने देखा जैसे कि इमेज होती है, इमेज की एक्सटेंशन होती है .jpg, अगर png होती है तो .png होती है, जिफ होती है तो .gif होता है, जिफ होती है, हर चीज़ से कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जैसे कि आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो सॉफ्टवेयर के ना कंप्यूटर के अंदर, उसको रन करते हो तो XEXE फाइल डाउनलोड होती है, नोट किया किसी ने, EXE फाइल डाउनलोड होती है .exe। सो वो आपके प्रोग्राम एक्सटेंशन कहलाती है। जैसे कि अब मैं HTML की फाइल सेव करने जा रहा हूँ, तो मैं एक सेव करता हूँ, कोशिश करें जो आप पहली फाइल सेव करें होम पेज की, उसको करें इंडेक्स के नाम से, ये होगी आपका फाइल का नेम। और जैसे ही मैं इसको एक सेव करके दिखाता हूँ आपको डिफरेंस आएगा। मैंने एक इंडेक्स के नाम से फाइल सेव कर दी, अब मैं इस फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ पर मैंने ये फाइल सेव की है, और लेट्स सी के रिजल्ट हमारा क्या है।
इंडेक्स की फाइल को आप देखें, सिंपल एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है ये, सिंपल। एक और फाइल सेव कर लेते हैं, सेम नई फाइल ले लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, इंडेक्स के नाम से कर लेते हैं या कोई और नाम से कर लेते हैं, क्लास के नाम से कर लेते हैं। डॉट, इस बार मैंने क्या लगाया एक्स्ट्रा, डॉट एच टी एम एल, मैं इंटर करके सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई फाइल, देखिए यहाँ क्या बनकर आ गया, नहीं यहाँ पे क्या बनकर आ गया ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर दूँ क्योंकि ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है, फिर आपको इजी हो जाएगा। ये क्या बन गया आपके सामने, क्रोम बन गया। अब मैं जैसे इस वाली फाइल को खोलता हूँ ना, देखे ये मुझसे बोल रहा है किस पे खोलूँ, इस पे खोल लेते हैं, खुल गई, इसको खोल लेते हैं, दोबारा खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुल जाएगी, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, इसने मुझसे पूछा नहीं और ये खुल गई। इसका मतलब ये है कि हमारी एक वेबसाइट का पेज की फाइल बन गई HTML की, क्लियर हुआ, डॉट HTML जो ब्राउजर रीड करता है इसको, क्लियर है ये चीज़। तो आप जो भी फाइल सेव करेंगे उसको डॉट HTML के एक्सटेंशन में सेव करेंगे। सो मैं ये वाली फाइल जो है अपने यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस वाली फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए मैं इसको आपको समझाने के बाद। अब मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं सेव करता हूँ इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स डॉट HTML, ये फाइल मेरी सेव हो गई, ये सेम मेरे फोल्डर में मौजूद है जहाँ मैंने सेव की थी, इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखें मैंने एक चीज़ बताई थी, एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, आपके पास छोटे छोटे मोबाइल के बॉक्सेस हैं, जो मोबाइल का बॉक्स आता है कुछ है 10,000 या 20,000 की क्वांटिटी में, और आप उसको कराची से लाहौर ट्रांसपोर्ट करना है, आप कैसे करेंगे, व्हाट वुड बी द बेस्ट पार्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, हाथ में लेके जाएंगे, गिरने का खतरा हो सकता है, अभी वो आ रहा है स्नैचिंग वगैरह का, गिरने का है क्योंकि एक बॉक्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको मैं कंटेनर की बात भी नहीं करूँ, लाहौर भी ना लेके बोलूँ, आप यहाँ से अपने 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक या 20 बॉक्सेज हैं इनको ले जाएँ विदाउट गिराए, तो आप क्या करेंगे, एक कोशिश ये होगी कि तो आप इनको एक कॉटन में डालें, बड़े कॉटन में, और उस कॉटन को कैरी करें, ना कि वो 20 को एक साथ कैरी करें। सो कॉटन में सारे आ जाएंगे तो वो एक कॉटन बन जाएगा, क्लियर। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि HTML के जितने भी टैग्स होते हैं, ज़्यादातर के ना क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, जैसे कि अब मैं HTML का टैग खोलता हूँ। अब देखिए जब मैंने फाइल HTML की सेव कर ली ना, ये रेड एंड ब्लू में आ गया, और मैं दिस लिखूंगा ना, ये ब्लू में नहीं आया, जाके ये कंटेंट है और वो टैग है, ये क्लियर हो जाएगा आपको, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब ये मेरा पता है क्या बन गया, ये मेरा हो गया कंटेनर, यानी कि वो कॉटन का बॉक्स जिसमें आपने बहुत सारे मोबाइल रखने हैं। अब आपका इन दोनों में से, इन दोनों टैग्स के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, अगर कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो कॉटन से बाहर है। तो इसलिए अब आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, आपने HTML लिख लिया। अच्छा HTML के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होती है बॉडी, जैसे कि ह्यूमन स्ट्रक्चर को लेना, एक होता है हेड, दूसरी होती है रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब आसान अल्फाज में अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें, तो कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसकी पहचान कैसे करते हैं, किसका नाम ये है, उसका नॉर्मली फेस देख कर उसको पहचान लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे बाद में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसका नाम जो भी आप ले लें ऐसा नाम है उसका। सो अब इसको ज़रा गौर करें, आपने जो पहचाना वो कौन सा पार्ट था, हेड का पार्ट था, हेड के पार्ट से आपको क्या मिल गया, उसका टाइटल मिल गया। सो इसीलिए एक टैग होगा आपका हेड, सही है, दूसरा टैग आपका मैं क्या होगा, बॉडी, सही है। अब तक आपने देखा होगा हमारी फाइल के ऊपर यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे तो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, जो टाइटल है हमारा, सही, ये शायद वीडियो चल गई थी, इसको वापस बैक पे ले जाते, यहाँ पे वही टाइटल लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमारे चैनल का नेम है यूट्यूब का, लेकिन हमारे पे इंडेक्स क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने टाइटल इसको असाइन नहीं किया, तो ये क्या कर रहा है, फाइल नेम पिक कर रहा है। सो अब एक काम करते हैं, टाइटल दे देते हैं, देखिए कितना ईजी है, हर चीज़ का टैग उसी के हिसाब से बना हुआ है, मैं ले लेता हूँ इसका नाम जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्लास 4, 2, 6, क्या चेंज होगा, ये चेंज हो गया,
अब उसने फाइल के नेम को ओवरराइट कर दिया, उसने बोला टाइटल आ गया, ये अपनी जगह ले लेगा, पहले नहीं था तो उसने बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उठा लिया था, लाइक फाइल नेम उठा लिया था। सही है। अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्ट, ये मैं लिखूंगा बॉडी में। अच्छा एक चीज़ क्लियर कर लें, जो भी आपका डिज़ाइन एलिमेंट होते हैं ना, यानी कि वेबसाइट का जो डिज़ाइन होता है, जो भी आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं, कोई भी एक रैंडम वेबसाइट खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, जितना भी आपको सामने नज़र आ रहा है ना ये एरिया, ये कंटेंट कहलाता है वेबसाइट का, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन कहलाता है, ये आपका जो है बॉडी में जाएगा। हेड में क्या जाएगा? हेड में जितनी भी फाइल इससे एसोसिएटेड होंगी, अभी हमने असिस्टेड फाइल पढ़ा था स्टाइल शीट की, जेक्यूरी की, वो हमने इसलिए पढ़ा, जितनी भी फाइल्स हमारी लिंक्ड होंगी जो इस डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड होंगी, वो कहाँ जाएंगी? हेड में, ताकि हेड उनको रीड कर सके। और जो भी हमारा टोटल कंटेंट है वो कहाँ जाएगा? बॉडी में। क्लियर है ये चीज़? यानी कि अब हम जितना भी डिजाइनिंग का काम करने वाले हैं वो कहाँ करेंगे? हम करेंगे बॉडी के टैग के अंदर, इस इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच बीच में। लेकिन जितना भी हम लिंकिंग यानी कि फाइल वगैरह लिंक्स कराने का काम करेंगे, हेडर को रीड कराने का काम करेंगे, वो कहाँ करेंगे? हेड के अंदर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हमने एक एक्सटर्नल फाइल है स्टाइल शीट की, वो लिंक करानी है, हम यहाँ कराएंगे। जे क्यूरी है, वो हम फुटर में करा दें या यहाँ करा दें, फुटर वो हम इस आगे कवर कर लेंगे। सो अभी हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहे। अब आपने नॉर्मल स्कूल्स के अंदर आप जो करते हैं स्टडी, नॉर्मल स्कूल्स में आप ऐसे स्टडी करते हैं कि आप जब कोई पहला काम करते हैं तो आप सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं, उसके बाद आप पैराग्राफ लिखते हैं, और कहीं आपके पॉइंट आ जाते हैं तो वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट लिखते हैं, डॉट डाल के आगे उसकी आगे लिखते हैं। अगर बुलेट्स की जगह पर आपके पास कोई न्यूमेरिक पॉइंट्स आ जाते हैं, सच एज 1 2 3, या रोमन में 1 2 3 आ जाते हैं, जो भी आते हैं, तो फिर आप उसी के हिसाब से रहता है। सो सेम इसी तरीके से हम पहले इन चीज़ को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों की चीज़ों का इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग को यहाँ पर रखा गया है H1, हेडिंग 1। अच्छा इधर इसमें ना HTML 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। H1 जो है वो बिगेस्ट हेडिंग होती है ऑटोमेटिकली, और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट होती है, H7 कोई हेडिंग नहीं होती। जैसे कि आप देखो, आप जब इस चैप्टर पे कुछ लिखते हैं तो आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टॉप ऑफ द पेज, फिर जब दूसरी हेडिंग डालते हैं वो उससे छोटी होती है, देन आपके पास सबकी हेडिंग सब हेडिंग डालते हैं वो उससे छोटी होती है, इस तरीके से हेडिंग्स छोटी होती चली जाती हैं। अब जैसे कि मैंने हेडिंग 1 लिखा, अच्छा आप देखें H1 के बाद दोनों H1 के दरमियान सेंटर में लिखा है, तो ये H1 भी शो होनी चाहिए ब्राउजर पे। मैं इसको क्लोज कर दूं और मैं रीलोड करूं, देखें हेडिंग 1 आया लेकिन H1 नहीं आए, क्यों नहीं आया H1? H1 टैग्स हैं, लेट्स गो फॉर H2, इसको हम यहाँ लिख देते हैं हेडिंग 2। हेडिंग छोटी आएगी, क्यों छोटी आई यार, हेडिंग क्यों छोटी हुई? भी बताया मैं, क्योंकि हेडिंग जो है 1 जो है सबसे बड़ी है, टू हेडिंग H2 जो है उससे छोटी है, H4 जो है, H3 जो है उससे और छोटी है, इस तरीके से H4 जो है आपकी और ज़्यादा छोटी है, और H5 इवन मोर छोटी है, हेडिंग 5 एंड द स्मॉलेस्ट इज H6। अच्छा जो मैं टैग खोल रहा हूँ आप देखें, वो मैं क्लोज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये हर टैग्स का नहीं होता, ये आपने मैं कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सही, लेकिन ये आपने जहन में रखना है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। देखें कैसे हो गया, वन बाय वन हेडिंग। लेट्स सपोज एक पैराग्राफ लिखना है, तो वो पैराग्राफ को आप किससे कॉल करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर यूज्ड इन पैराग्राफ? पैराग्राफ की स्पेलिंग करें तो उसमें पहला कैरेक्टर क्या है? पी। दैट्स गुड। सो टैग क्या हो सकता है फिर? देन पैराग्राफ का, पैराग्राफ को अगर स्पेल आउट करें तो
तो फर्स्ट करेक्टर जो है वो पी है, तो टैग क्या हो सकता है? टैग भी पी होगा। कैसे? हेडिंग का टैग वन क्या था? एच था, और वन का साइज के लिए था। हेडिंग का दूसरी टैग क्या था? एच, और टू क्या था? हेडिंग टू को काउंट करने के लिए, बॉडी के लिए बॉडी यूज किया था। पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लोजिंग टैग लगा देंगे। जितना भी कंटेंट होगा हमारा कहाँ जाएगा? इन दोनों टैग्स के बीच में। ये मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा आपको नजर आ जाए, क्वाइट विजिबल हो जाए थोड़ा सा। क्लियर है? यहाँ तक नजर आ रहा है? आप चेक करें। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, क्या पैराग्राफ आएगा या दूसरी एक और हेडिंग आ जाएगी? पैराग्राफ आएगा। आ गया पैराग्राफ, क्लियर हो गया। हेडिंग हमने बनाना सीख ली, पैराग्राफ सीख लिए। फिर हमने तीसरी बात की थी लिस्ट बनाने की, याद है? लिस्ट बनाते हैं जब हम टेक्स्ट पे लिखते हैं, लिस्ट लिस्ट बना रहे थे ना, या हमने बात की थी कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, कहीं पे बुलेट पॉइंट आ जाते हैं। अब बुलेट पॉइंट को हम दो टाइप की लिस्टिंग होती है, जैसे एक न्यूमेरिक लिस्टिंग होती है और एक होती है बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट, डॉट लगा के इसके आगे आप लिखते हैं। तो बुलेट वाली लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3, इस न्यूमेरिक ऑर्डर इसे कहते हैं, नंबर्स में ऑर्डर कहते हैं। सो इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर ऊपर नीचे तरतीब नहीं है इसकी कोई। दूसरी लिस्ट जो होती है वो होती है ऑर्डर लिस्ट। क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट। उसमें क्या होता है? इनको इनकी तरतीब है, यानी कि वन पहले, वन है तो वन पहले ही आएगा, सेकंड है तो सेकंड नंबर पे आएगा। अब मुझे बताओ अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होना चाहिए? ये हो गया अनऑर्डर। आगे कुछ रह गया? लिस्ट। लिस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर सही है। अब जस्ट सपोज मैं यहां से कुछ यहां से कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। हर लिस्ट का एक कोई आइटम भी होता है, जो आप लिखते हैं वो एक आइटम होता है ना। लिस्ट आइटम को तोड़ो सन, क्या बनेगा? टैग। अब बताए लिस्ट आइटम दो वर्ड है, एक लिस्ट सेकंड जो है आइटम, इनको टैग में तोड़े कैसे बनेगा? एल आई। ये एल आई बन गया हमारा। ये मैं एल आई डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके ये देखें, लिस्ट बन गई आपकी। इसको मैं कपल ऑफ टाइम कॉपी कर लेते हैं इसको, 2 3 4। यहां से रिलोड कर लें आप, ऐसे रिलोड कर लें पेज को, या F5 प्रेस करके रिलोड कर लें। ये आप रिलोड करें, देखिए ऊपर नैनो सेकंड ले रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला फ्लैक्चुएट हो रहा है, से आपको पता चल रहा है कि ये रिलोड हुआ है पेज। तो आपका रिजल्ट जो है फ्रेश होता रहता है हर बार। आप मुझे बताएं, ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओएल ले लेते हैं। ओएल ले लिया, अब ओएल बन गया। अब आगे ओएल के अंदर भी लिस्ट आइटम्स आएंगे ऑब्वियसली। सो मैं यहाँ लिस्ट आइटम को अगर कॉपी कर लूँ, आप लोग कॉपी नहीं कीजिएगा, आप लोग टाइप किएंगे ताकि आपका कोड जो है वो बेहतर होता जाए और प्रैक्टिस होती जाए, मेमोराइज होता जाए। क्लियर है? अब क्या है, नंबर बनाएगा, कैपेबिलिटी दिखाएगा। आगे नंबर लिस्ट। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हम एक वेबसाइट बना सकते हैं इसको यूज करते हुए। सारी चीज़ें हमने सब, सारी नहीं मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें जो हमारे मेन टेक्स्ट को हमने समझ ली है, H1 भी समझ लिया, H2 भी समझ लिया, पैराग्राफ्स भी समझ लिया, ऑर्डर लिस्ट भी समझ ली, अनऑर्डर लिस्ट भी समझ ली। हमारी होती है HTML के कुछ पार्ट्स जिसको हम समझते हैं, इनको यूज़ करते हुए हम आगे चीज़ों का सवाल कर लेंगे। जो हमने कोड लिखा वो कोड मौजूद है, HTML भी मौजूद है, हेड भी मौजूद है, बॉडी भी, लेकिन इसने शो नहीं किया। इसने शो क्या किया? जो भी चीज़ टैग्स के अंदर थी, लेकिन टैग्स इटसेल्फ को शो नहीं किया, उनका इवन कलर भी चेंज कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि ये ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ क्या रीड कर रहा है? ब्राउजर रीड करता है HTML को। उसने HTML को रीड किया, उसने रीड करके देखा ये जो सबसे पहले हेडिंग है ये H1 में, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद उसने रीड किया, यार ये जो पैराग्राफ में आया है पी के टैग्स के अंदर, ये तो पैराग्राफ्स है, इसको हम पैराग्राफ में दे देते हैं। और ये इसको रीड करने में टाइम भी नहीं लगा,
क्योंकि इसके दरमियान बहुत कम टाइम होता है इसको लोड होने में। अभी तो ये लोकल फाइल है तो उसमें ज़्यादा टाइम मिल गया, अगर आपके सर्वर पे फाइल होगी और वो सर्वर कोई बिल्कुल लोकल किस्म का होगा, थका हुआ सर्वर, तो वो तो लाजमी सी बात है टाइम लेगा। लाइक अगर आप गूगल के ऊपर या अमेजोन के ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो हैवी एंड फास्ट सर्वर होते हैं, उनके ऊपर इतना वेबसाइट में टाइम नहीं लगता। लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट्स के सर्वर, जो हल्के सर्वर होते हैं नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर, वेबसाइट प्रोवाइडर जितने भी थके हुए सर्वर देते हैं, उन पे आपकी वेबसाइट पे आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे सर्कल होता ही रहता है, घूमता रहता है, वो खुल के नहीं देती। वो क्यों नहीं खुलती? या तो उनकी स्पीड नहीं होती या तो फिर सर्वर हल्का होता है। अब जो हमने डिज़ाइन किया था लास्ट पे, अगर मैं वो डिज़ाइन खोलूँ या हम कोई और डिज़ाइन खोल रहे हैं, मेरे पास अभी वो डिज़ाइन अवेलेबल है नहीं, यही वाला खोल रहे थे हम, क्या आप इस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसी HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए? अब आप इन दोनों में इसमें फ़र्क देख के बोलेंगे या ये तो बिल्कुल बेसिक है और ये कुछ नेक्स्ट लेवल है। ये हुआ हुआ HTML से है, बिलीव इट और नॉट। यार ये कंप्रेस्ड हुई हुई है, खैर यहाँ से नहीं दिखा, ये कंप्रेस्ड इसलिए आपको पता नहीं चला, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए ये हुआ हुआ HTML से ही है, देखें वट इज़ द फर्स्ट टैग, सही है, एंड द लास्ट वन, इसी तरीके से हमने रखा है अपना हेड। सेकंड टैग क्या रखा था हमने, उसके बाद हमने क्या रखा था, ये जो दो है ना ये तो हमारे एक्सटेंशन से आ रहे हैं, यहाँ से इन दोनों को हटा दें, डिस्कार्ड कर दें, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के शॉर्ट करके बने हुए ऑटोमेटिक। यही बॉडी का रखा है, बॉडी के बाद हमारा कुछ आ रहा है? अच्छा हेड में हमारे पास टाइटल होगा, टाइटल ये होएगा, देखें अभी हम देखें, ये देखें टाइटल है हमारे पास हेड में ही है, और ये सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह जितनी भी नज़र आ रही है, स्क्रिप्ट जो हम फाइल बताए थे एसोसिएटेड फाइल जो होती है वो हम कहाँ रखते हैं, हेड में, ये सारी हेड में रखी हुई है। जैसे ही हमारा बॉडी पार्ट शुरू हुआ, बॉडी के अंदर आप देखें काम शुरू हो गया, जैसे कि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कंसल्टेशन शुरू हो गई, या फिर ये ईमेल हमारे पास शुरू हो गई, पैराग्राफ शुरू हो गया, सही है, ये ईमेल हमने लगाई हुई है, यानी कि ये अगर हम देखें ये हेडिंग लगाई हुई होगी, H2 लगाई हुई है, फिर उसके नीचे दूसरी छोटी छोटी हेडिंग है तो H4 लगाया हुआ है, देन हमने क्या लगाया हुआ है, पैराग्राफ लगाया हुआ है। इसी को यूज़ करते करते हमने पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर दी। मुश्किल है आसान है? अब तो फोटोशॉप से कॉम्प्लिकेशन से निकल जाएंगे, अब तो इजी होगी, प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी, तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए कोशिश कर रहे हैं एक आप लोग CV बनाएं अपनी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा पढ़ वेबसाइट के थ्रू लेके चलेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें यहाँ तक इसको एंड करते हैं।